अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कुदूस और अपने चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। आज की वीडियो एक और सानिया हुआ है, एक और हादसा हुआ है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान जिसमें ऑलरेडी इस तरह के दो केसेस हुए हैं, एक में तो मुख्तलिफ एपिसोड्स भी आए, लेकिन वाकया क्या है ये मैं बताऊँगा थोड़ी ही सेकेंड में, मिनट में मैं आप लोगों का नहीं लूँगा। तो उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि मैंने स्कॉलरशिप्स और एजुकेशन की वीडियोज़ अपलोड करनी है जिससे आप बाखबर रहेंगे और आप लोगों को फ़ायदा होगा। इसलिए मैंने बहुत सारे स्कॉलरशिप्स की वीडियोज़ बनाई हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं कि कौन सा सानिया हुआ है, कौन सा हादसा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जिस सानी की बात हो रही थी, जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मिनट से पहले भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो भी मैं रिवील कर रहा हूं कि पहले एमडी कैट, सॉरी ईटा, उसके बाद फिर एमडी कैट, केपीके से लेकर अभी सिंध तक, सिंध का जो मेडिकल टेस्ट है जिसको एनटीएस ने कंडक्ट किया था वो भी अभी लीक हो चुका है। ऑफिशियल जराए, ऑफिशियल न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़, इसके अलावा एयरवाई न्यूज़, उन पर ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की गई थी कि सिंध का जो मेडिकल टेस्ट, मेडिकल कॉलेज के लिए जो टेस्ट निकाल किया गया था वो एक रात पहले लीक हो गया है, वो आउट हो गया है। उसका जो ऐसे लोग थे असर रसूख वाले जिनकी पहुंच थी, उन्होंने इसको लीक करा लिया, जिनको खुद पे यकीन नहीं था कि हम कर सकते हैं, उन्होंने ये लीक करा लिया और लीक होने के साथ साथ वो खुद भी लीक हो गए। अभी यह बात सोशल मीडिया, टीवी चैनल सब पर नशर हो रही है कि इस तरह एक और सानिया हुआ है। अगर हम देखें तो जस्ट एक ही हमारा एक प्रोविंस है बलूचिस्तान, जिसमें अभी तक कोई इस तरह का वाक्य नहीं हुआ। इसके अलावा केपीके में तो 3-4 एपिसोड्स भी हो चुके हैं इसके, और पंजाब में एमडी कैट में भी इस तरह के वाक्य नज़र आ गए हैं, और उसकी जो तफ्तीश है वो भी हो रही है, जबकि ईटा है उसकी तफ्तीश तो अभी तक स्टार्ट है। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ है उसमें ये बात सामने आ रही है कि जो सिंध का मेडिकल कॉलेज के लिए टेस्ट है वो लीक हो। अभी देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल जाहिर सी बात है भी वेरिफिकेशन होगी, तो अगर उसमें प्रूफ हो गया कि हाँ ये हो रहा है तो फिर तो सज़ा मिलनी चाहिए। हर बार टेस्ट लीक हो जाता है लेकिन मुजरिम का कुछ पता नहीं लगता। इससे पहले भी लीक तो कोई तो लीक कर रहा है ना, तो मुजरिम को सज़ा देनी चाहिए। एक को अगर आप एग्जांपल बना देंगे तो आगे इस तरह का कोई वाकया नहीं होगा, ठीक। तो आगे भी मैं इस पर नए नए अपडेट्स लेके आऊँगा, जो भी नई इसके बारे में न्यूज़ हुई वो सबसे पहले इंशाल्लाह इसी चैनल पे नशर होगी। तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आई विल रिकमेंड। इसके अलावा मैंने स्कॉलरशिप्स की वीडियो बनाई वो भी आप देख सकते हैं, और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ अगर पसंद आई है, चैनल को लाइक कीजिएगा, साथ साथ इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।